वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल. यूपी बोर्ड 2011 में आया है. तो अब ये बहुत ही बेसिक सवाल है. डब्ल्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट पे जाएंगे हम लोग, और 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, जूल में. 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल. और एक बार फिर से लिख दें इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आए ताकि. और उसके बाद एच अपना है प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10 to the power -34. न्यू नॉट यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो 4.9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.6 है ना, इंटू 10 to the power. ये देखो 10 to the power -34 नीचे जाएगा, 10 to the power -19 ऊपर है, तो -34 ऊपर आ जाएगा, 34 माइनस 19 हो जाएगा 15. ठीक है, तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? चलिए थोड़ी मदद कर देता हूं मैं, बट थोड़ी ही मदद करूंगा. 16 नम 144 और 16 चौको 64, 64 प्लस 10 74 4 78 784 है ना. तो ये हो जाएगा 7.84 डिवाइडेड बाई 6.6. अपनी तरफ से एक जीरो लगा दीजिए. और अब थोड़ा सा कट भी जाएगा, ये चार से कट सकता है मेरे हिसाब से. और चार से कटने के बाद भी बहुत ज्यादा काम का नहीं लग रहा है. 196. अब तो कर लो यार, मतलब इतना कर दिया मैंने. ठीक है, तो न्यू नॉट है 1.189 ऐसे करके कुछ आ रहा है, 187 आ रहा है मेरा. 1.187 इंटू 10 to the power 15 आपकी बुक कर रही है 1.19 इंटू 10 to the power 15. याद रखिएगा, बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, तो आंसर आना चाहिए हर्ट्ज में. तो ये हमें पूछा गया था, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. तो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ.